अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप देख रहे हैं सुपर बाइट दिस चाइनीज। आज हम एक बार फिर आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन की रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे चिकन बोनलेस हांडी। आप इसको जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। थोड़ी देर के लिए प्याज को फ्राई करें जब तक एक लाइट गोल्डन सा कलर ना आ जाए। फिर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे जब तक एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसमें 1/2 किलो चिकन बोनलेस ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें मसाले। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 2 मीडियम साइज के आपने टमाटर लेने हैं, उसका छिलका उतार के उसको रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे और उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम सी आग पे भून लेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च, और 1/2 कप इसमें ऐड करेंगे दही का। अब इसको थोड़ी देर के लिए पका के 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आग पे ढांक के रख देंगे ताकि जो चिकन वगैरह है वो हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, चिकन हमारा सॉफ्ट हो चुका है, मसाले जो हमारे पक चुके हैं, अच्छे तरीके से चिकन जो है गल चुका है और बहुत ही बेहतरीन हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और अदरक के स्लाइसेस, और जो हमारी कढ़ाई है वो रेडी है। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई रेडी हुई है, बहुत ही मज़ेदार और क्विक रेसिपी है। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाते हैं, आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक डिफरेंट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।